जय माता दी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग के ब्लेसिंग के वजह से आज फाइनली शादी है। एंड मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, बहुत काम था, एक्सेस मतलब ये वो छोटा छोटा काम कितना रहता है आप लोगों को तो पता ही होगा। बट अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और मैं अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई, आप देख सकते हैं मेरा क्या हालत है। एंड अभी 10:30 बज गया और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना था, मैं सोची चलो अभी से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मैं बता दूं कि अगर इससे पहले आप लोगों ने जितने भी मेरे घर में रिचुअल्स हुआ था हार में लॉकडाउन में, कैसे शादी हम लोग कैसे सारे रिचुअल्स किए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कितना मस्ती किए, वो सब का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल चुका। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, मैं सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ एंड जल्दी जल्दी करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आप रूम का हालत देख लीजिए, कैसे क्या हो गया, सारा कुछ ये हो गया है। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। सो यहाँ पे छोटू कल से मिठाई पैक करने में बिजी है। हेलो छोटू। हाय। ये देखिए मेरी सुंदरी मामी एकदम रेडी हो गई है। हेलो करा। हेलो। सो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, बक्सा बक्सा सब कुछ पैक हो गया है। अभी कुछ कुछ सामान लाना है वो लेकर आते हैं और फिर आप लोग को दिखाऊंगी। हाय मेरी अंशु, नहाई नहीं है? हेलो। हाय। नहाई नहीं हो? नो। ओ आ गया। सो मैं फ्रेश होकर आकर देखी कि यहाँ पर ऊपर में रिचुअल्स हो रहा था, बीध हो रहा था, हल्दी लगाया जा रहा था। आज 5 बार हल्दी लगता है कंटिन्यूस, तो चुमावन भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरी बुआ की बेटी है, छोटी दीदी और एक छोटी वाली बुआ है, बड़ी बुआ, सबको आ गई हैं। तो सब मिलकर लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो नियम को कम्प्लीट कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए तो टाइम पर बराती निकल जाए। एंड यहाँ पर सबको उनको मतलब मलमल के हल्दी लगा रहा है लोग, और मैं भी यहाँ पर मतलब बस नहा कर ही आई थी, बस सिंदूर लगा के, तो मैं भी एक रिचुअल्स कर दी। और यहाँ पर ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं और ये कुमरत का भात बना रही हैं, उस दिन बनता है ना, जमाया जाता है, तो वो बना रही हैं। एंड मम्मी उनको शगुन में दे रही हैं और छोटी वाली बुआ को भी दे रही हैं, सबको, सबके लिए गिफ्ट ऑलरेडी मम्मी लेकर रखी थी रिंग, तो इन बड़ी वाली बुआ जी को, छोटी वाली बुआ जी को और उनकी बेटी, तीनों का सेम ही टाइप का मतलब खरीदाया था, तो तीनों को दे रही हैं। एंड यहाँ पर घर में सैलून भी चल रहा है, ऊपर में आए थे भैया, सबका शेविंग वेविंग कर रहे थे, ट्रिम व्रिम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड की हूँ। और यहाँ पे पूछी बदमाशी कर रही है, देखो क्या क्या बोलती है। फोन दो, क्या कर रही हो? तो एक तरफ बीच चल रहा था तो दूसरी तरफ फ़ोटोशूट चल रहा था। एक्चुअली सारा जो भैया भाभी का ड्रेस है वो सब भवन में फ़ोटोशूट होने वाला था, वेदर ख़राब होने के वजह से घर पर ही हो रहा है। तो पहले भैया का हो गया एंड अब भाभी का हो रहा है। एंड आप देखो कितने मतलब उसी में कैसे मैनेज करके इन लोगों ने फ़ोटोशूट कर रहे हैं। एंड साथ में थोड़ा सा ज्वेलरी का भी फ़ोटोशूट करते हैं, मैं सबका ऐड कर दी हूँ, मतलब जो जो ज्वेलरी पहनेंगी जयमाला के टाइम। तो वहाँ बुआ का कुमरत का भात बन गया और इधर कुमरत का भात बनने के बाद जमाया जाता है 5 को लड़का, तो वही जन रहा है। और फिर इधर साथ में बीध भी हो रहा है, मतलब अब लच्छू नहान होता है बराती निकलने से पहले, तो बड़े दामाद जो भाई जीजा जी हैं वो और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर बीध करते हैं। फिर उसके बाद तब जाकर नहाना वहाना होता है, उसके बाद सब लोग रेडी होना स्टार्ट करेंगे। चलते रहो।
सारा भी धो गया एंड मम्मी रेडी हो गई हैं और मैं इनको पूरा लुक दिखाती हूँ। मम्मी आज बहुत सुंदर सा लहंगा पहनी है एंड ये रहा इनका पूरा लुक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लग रही हैं। रेडी हो गए बट मुझे अपना दुपट्टा को पिनअप करना है। ये है वो ना डार्लिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और हम लोग बारात के लिए रेडी हो चुके हैं। हाँ मामा। तो अब भैया को ड्रेस पहनाया जा रहा है और दोनों दामाद मतलब जो भी हो उन लोग मिलकर पहनाते हैं, रेडी करते हैं आज के दिन। तो बहुत अच्छे से इन लोग मिलकर भैया को रेडी करते हैं। लास्ट में मैं भी थोड़ा सा हेल्प करती हूँ दुपट्टा सेट करने में और आप देखना। और आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा कि सब लोग कैसे लग रहे हैं, आपको सबसे सुंदर कौन लगा, सब ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। एंड जल्दी जल्दी ये सब हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा और होता है भी बारात निकलने से पहले इमली घुटाया जाता है, वो रसम हो जाएगा, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जब ड्रेस पहना दी तो उसके बदले मतलब उनको शगुन दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी अपने दोनों दामाद के लिए भी रिंग रखी थी तो दोनों को दे रही हैं गिफ्ट में। सो सब रेडी हो गए हैं एंड अब इमली घुटाएगा। तो यहाँ पर मामा जी और बुआ जी इमली का रस्म करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये है छोटा दूल्हा, छोटा सा क्यूट सा हैंडसम सा दूल्हा, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मामा हली हली मामा हली हली इमली घोटावे मामा मामा हली हली मामा हली हली मामा हली हली इमली घोटावे मामा मामा हली हली मामा।
Thank you.
हाँ रहे हैं। उसके बाद? उसके बाद उधर जाएंगे देखने। उधर जाएंगे देखने। ओम पवित्र सो यहाँ पर गुरत्ती हो रहा है जो कि मामा ससुर कर रहे हैं भाभी के। तो यहाँ पर ना बहुत सारा कपड़ा ज्वेलरी सब दिया जाता है लड़की को। मैं सब कुछ नहीं इसमें दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो मैं बस छोटा छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर दी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और इसके बाद मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी उसमें शादी, कन्यादान, विदाई सब रहेगा। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल भी प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।